की खबर चलो के साथ आपके साथ मैं हूं धर्मेंद्र बिरबल। आइए रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। गोपालपुरा के पास 51 फीट ऊंचे रावण दहन का पुतला दहन के लिए तैयार। शाम 7:30 बजे आकर्षक आतिशबाजी के साथ होगा रावण दहन। विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन के लिए सार्वजनिक दशहरा एवं रामलीला पर्व समिति के तत्वावधान में पुरानी गल्ला मंडी से निकली श्री राम जी की शोभा यात्रा। गोपालपुरा में श्री राम जी करेंगे बुराइयों के प्रतीक रावण का दहन। जगह जगह श्री राम जी की हुई आरती, पूजा अर्चना और पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत। विजयदशमी के अवसर पर गोपालपुरा के दशहरा मैदान पर मतदाता जागरूकता को लेकर बनाया गया विशेष रूप से सेल्फी जोन। वोटमैन के साथ लोग ले रहे हैं अपनी सेल्फी। नवदुर्गा के समापन पर देर रात तक चलता रहा दुर्गा माँ की प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला। पुलिस के पुख्ता इंतजामों के बीच सिंहवासा तालाब पर हुआ मूर्तियों का विसर्जन। अल सुबह तक हुए मूर्तियों के विसर्जन के पश्चात नगरपालिका ने सिंहवासा तालाब पर शुरू की स्वच्छता मुहिम। जेसीबी के माध्यम से हटाया गया मलबा। विजयदशमी के अवसर पर 26वीं बटालियन में कमांडेंट आरएस मीणा ने की शस्त्र पूजा। आरोन में विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निकला पथ संचलन। कदम से कदम मिलाकर निकले स्वयंसेवक, बाल स्वयंसेवक रहे लोगों के आकर्षण का केंद्र। पगारा के पास सिंध नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक के डूबने की आशंका। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार कल दोपहर को मूर्ति विसर्जित करने के लिए नदी में उतरा था सुरेंद्र, नहीं आया वापस। पुलिस भी जुटी खोजबीन में, नहीं की पुष्टि। म्याना में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाला दशहरे के अवसर पर विशेष चल समारोह। भारी उत्साह के साथ निकले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता। जिला स्तरीय कालिदास समारोह की प्रतियोगिताओं के परिणाम हुए घोषित। सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं में श्लोक गायन, नृत्य नाटिका और चित्रांकन में एमएलबी के छात्राओं ने मारी बाजी। जूनियर वर्ग में सेंट जॉर्ज थॉमस स्कूल के छात्र छात्राओं ने नृत्य नाटिका में किया प्रथम स्थान प्राप्त। सुकट नाले के पास एक व्यक्ति मिला घायल अवस्था में, लोगों ने पहुंचाया जिला चिकित्सालय। मतदान के प्रति जन जागरण फैलाने के लिए सोनाली चैनल की टीम ने आज किया विभिन्न गांवों का दौरा, लोगों को बताया मताधिकार और मतदान का महत्व। एसएसबी बटालियन के साथ रावगढ़ में भी पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। माँ शीतला के दरबार में पूजा अर्चना कर भंडारे में प्रसादी ग्रहण की रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने। विजयदशमी के पद पर सोनाली सिटी चैनल केबल की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। विजयदशमी के अवसर पर दशहरा मैदान पर 51 फुट ऊंचा रावण का पुतला दहन के लिए तैयार है। जोरदार आतिशबाजी के साथ शाम 7:30 बजे रावण के पुतले का दहन होगा। इस तारतम में गोपालपुरा पर विशेष तैयारियां की गई हैं। पुलिस के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है क्योंकि हजारों लोग रावण दहन को देखने पहुंचेंगे और इस दौरान मताधिकार के प्रति और मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से वहां पर सेल्फी जोन बनाए गए हैं, जहां पर वोटमैन बनाया गया है और वोटमैन के साथ लोग सेल्फी लेकर आनंद भी ले रहे हैं। रावण दहन के तारतम्य में पुरानी गल्ला मंडी से सार्वजनिक दशहरा एवं रामलीला पर्व समिति के तत्वावधान में श्री राम जी की शोभा यात्रा निकली। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से, मुख्य मार्गों से होती हुई, बाजार से होती हुई गोपालपुरा पहुंच रही है। इस शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वृष्टि से स्वागत किया जा रहा है। श्री राम जी की आरती उतारी जा रही है, पूजा की जा रही है और इसके साथ ही साथ रावण की सेना भी गोपालपुरा मैदान पर जाने के लिए निकल चुकी है। शाम 7:30 बजे आतिशबाजी के दौरान राम और रावण के बीच युद्ध होगा और श्री राम रावण का वध करेंगे। नवदुर्गा के समापन के तारतम्य में कल रात माँ दुर्गा की विसर्जन यात्रा का सिलसिला चलता रहा। देर रात तक शहर के बीच में से माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का आना जारी रहा और इस दौरान जगह जगह विभिन्न झांकी समितियों का स्वागत भी किया गया। देर रात तक सिंहवासा तालाब पर विसर्जन का सिलसिला चल रहा था और इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु
गुना शहर के बीच में और सिंहवासा तालाब के आसपास हनुमान चौराहे के आसपास लोग थे और वे देखना चाहते थे किस प्रकार से झांकियां निकल रही हैं और माँ दुर्गा का स्वरूप अब क्या है। एक तरफ जहां देर रात तक मूर्तियों का विसर्जन चलता रहा, वहीं सुबह होते ही नगर पालिका ने अपना कार्य शुरू किया और सिंहवासा तालाब पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से वहां मूर्ति विसर्जन के दौरान जो मलबा इकट्ठा हो गया था उस मलबे को हटाना शुरू किया ताकि सिंहवासा तालाब में अनावश्यक रूप से गंदगी अंदर ना पैच कर सके। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन आज गुना शहर में निकाला गया। इस पथ संचलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक अपनी परंपरागत गणवेश में और अपने दंडक के साथ मौजूद थे और वे पूरे शहर में शानदार कदम ताल मिलाते हुए निकले। इस दौरान जगह जगह पथ संचलन का स्वागत किया गया, पुष्प वृष्टि भी। स्वयंसेवक का पथ संचलन निकाला गया और इस पथ संचलन में कदम से कदम मिलाकर स्वयंसेवक आरोन कस्बे में निकले। इस दौरान लोगों के आकर्षण का केंद्र है बाल स्वयंसेवक जो बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर पथ संचलन में शामिल हुए थे। विजयदशमी के अवसर पर एक दूसरे को बधाई देते भी दिखाई दिए। पगारा के पास कल मूर्ति विसर्जन के दौरान सिंध नदी में एक युवक के डूबने के समाचार मिले हैं। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार पता चला है कि दीपक स्पिनर्स लिमिटेड की झांकी को सराहने के लिए ये सभी गए थे। इस दौरान सुरेंद्र नाम का एक युवक जो कि प्रतिमा के साथ नदी में उतरा था, वह इसके बाद वापस नहीं लौटा। अपुष्ट सूत्रों की बात माने तो वह डूब गया है, लेकिन अब तक उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई। पुलिस भी खोजबीन में जुटी है। हमने जब पुलिस से संदर्भ में जानकारी चाही तो पुलिस का कहना यह था कि समाचार जरूर है, लेकिन अब तक वे इसकी किसी प्रकार से पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि अन्य कोई समाचार नहीं है, न ही उसकी बॉडी रिकवर हुई है, न ही कोई अन्य समाचार मिला है। विजयदशमी के अवसर पर 26वीं बटालियन में आज कमांडेंट आर एस मीना के द्वारा शस्त्र पूजन की गई। इस मौके पर 26वीं बटालियन के सभी होमगार्ड के जवान सहायक कमांडेंट के साथ विभिन्न अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट मतदान जागरूकता को लेकर सोनाली सिटी चैनल ने भी अपना अभियान शुरू किया और इस कार्यक्रम में आज हमारे सोनाली सिटी चैनल की टीमों ने गुना के आसपास के 5 गांव का दौरा किया। हमारे कैमरामैन हरीश कुशवाहा और हमारे कैमरामैन देवेंद्र कुशवाहा पहुंचे गांव में और गांव के लोगों से की बातचीत की मतदान उनके लिए क्यों जरूरी है और मताधिकार का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए। इस दौरान गेहूंखेड़ा, बैटाजीर और साथ ही साथ खेजरा और गेहूंखेड़ा सहित अन्य गांवों का हमारे इस टीम ने दौरा किया और लोगों के विचार जाने कि आखिर मतदान के प्रति उनका क्या रुझान है और मतदान क्यों करना आवश्यक है, इस बात का महत्व हमारे इन साथियों ने ग्रामीणों को बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डालचंद सिंह धाकड़ है। कहाँ रहते हो आप? बरकीरा गिर्द। अच्छा बताइए, वोट डालना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है वोट डालना। अच्छा, वोट डालने के क्या फायदे हैं? वोट डालने के अच्छे व्यक्ति चुनना चाहिए, देश के लिए स्वच्छ अमरा के, जनता के लिए स्वच्छ अमरा के, किसान के लिए, धंधे वारे के लिए, हर चीज के लिए फायदा मिलना चाहिए, इसलिए वोट जरूरी है डालने के लिए, और सही व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा, और व्यक्तियों को बोलते हो वोट डालने के लिए? बोलते हैं।
अच्छा तो अभी तक हम तो बिल्कुल काम बंद करके वोट डालने जाते हैं बाद में। अच्छा, मैं फैमिली से बिल्कुल कहीं भी हूँ वोट डालने के लिए आती है। अच्छा तो आपने अभी तक कितनी बार वोट डाल दिया होगा? वोट डाल दिया होगा हमने, हो 5-6 चुनाव में डाल दिया होगा। अच्छा, और न्यूनतम उम्र क्या होती है वोट डालने की? कितना वर्ष में वोट आदमी योग हो जाता है वोट डालने के लिए? योग डालने के लिए वोट 25 साल की में बिल्कुल जानकारी फुल हो जाती है, हल्ला सब जानने लगता है। 18 के बाद आप वोट डाल सकते हो मतलब, है ना? हाँ, 18 के बाद वोट डालते। अच्छा ठीक। सुकर नाली के पास से एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला है। घायल अवस्था में वह कैसे हुआ, कोई दुर्घटना हुई है ये जानकारी नहीं लगी है, लेकिन लोगों ने उसे तुरंत वहां से उठाकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया है, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। आगामी मतदान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर SSB बटालियन और रावगढ़ पुलिस ने रावगढ़ में आज फ्लैग मार्च किया और लोगों को बताया कि मतदान के प्रति किस प्रकार से निष्पक्ष और निर्बाध मतदान हो और सुरक्षा की दृष्टि से कैसे एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, इन सब बातों का विश्वास लोगों के बीच में पैदा करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया। रावगढ़ विधायक नवदुर्गा के मौके पर शीतला माता के दरबार में पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना के पश्चात उन्होंने वहां प्रसादी भी ग्रहण की। मतदान के प्रति जागरूकता हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य भी है, हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और मताधिकार से जो वंचित हैं उन्हें भी बताना है कि हमें अपना मतदान क्यों करना है और मतदान क्यों आवश्यक है। अपनी 2 मिनट 15 सेकंड की वीडियो भेजिए हमें और जीतिए 5100 रुपए का प्रथम पुरस्कार। इसके साथ ही आपको मिलेगा गुना कलेक्टर से सम्मानित होने का भी अवसर। तो दर्शकों, आज की हलचलों में आप बस इतना ही, कल फिर नई हलचलों के साथ हम होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए मुझे यानी धर्मेंद्र बज को दीजिए अनुमति। आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे कार्यक्रम बिजनेस प्लस की दुनिया में। हमारे कंप्यूटर एडिटर कैलाश कुशवाहा, कैमरामैन हरीश पवन और विनोद कुशवाहा के साथ।